दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली की फेमस तवा कीमा। इसको पराठे के साथ सुबह के नाश्ते में खाइए, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और चलते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं एकदम मज़ेदार तरीके के साथ। तो हमने ले लिया है कीमा, और ये सॉफ्ट पोटी का एकदम छोटा छोटा कीमा है। हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है फ्राई पैन में पहले, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हमने थोड़े से इसके अंदर गरम मसाले, जैसे कि मैंने तीन चार चीज़ें ली हैं, आप चाहें तो थोड़े से और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। कीमे को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो कीमे की गोश्त की कच्ची स्मेल है वो दूर चली जाए। इसलिए हम कीमे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको भून लेंगे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे। और देखें, इसका जो कलर है काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि ये भून गया है। तो अभी इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें, करीब एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है हमने इसमें। और अभी इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल रूखा कीमा है। इसके अंदर हमें इतना सा भी पानी नहीं डाला है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी की ज़रूरत ही नहीं है। और एकदम खिला खिला सा एकदम रोस्टेड कीमा बनने के लिए रेडी है। तो अगर आपके पास तवा हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्राई पैन भी तवे के जैसा काम करता है। तो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, बस इसमें जो कीमे में ज़रूरत होती है ना, उससे ज़्यादा इसको भूनो तो इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल के आएगा कीमे का। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा था, और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हमने कीमे को अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए भून लिया है इसको। और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कीमे को साइड कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जिसको हमने छोटा छोटा सा अच्छे से काट के रख लिया था पहले ही। और हमने दो मिर्चें ले ली हैं हरी, जिसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा काट लिया है। और इसको थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए इसको पिंकिश होने के लिए छोड़ देंगे, और हल्का फुल्का सा चला दीजिएगा। और इसको साइड में अलग से इसको पिंक करना है, ताकि जो प्याज की कच्ची स्मेल है वो निकल जाए और ये हल्की सी पिंक हो जाए। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे दोनों को एक साथ। तो ये देखें, करीब 10 मिनट के बाद प्याज इस स्टेज पे आ गई है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर बाद मिक्स कर देंगे। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, प्याज को लो फ्लेम पे हमने भूनना है। तो अभी हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुकी है, पिंक हो चुकी है। प्याज और कीमा मिक्स कर दिया है, और अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। एकदम रोस्टेड तवा कीमा बनके एकदम रेडी है। तो अब इसकी प्लेटिंग करेंगे,
और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा था। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। और इसको रुमाली रोटी के साथ खाइएगा, नाश्ते में, डिनर में, जो भी आपका दिल करे। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है, सिंपल और इजीएस्ट रेसिपी। अगर आपका कभी गोश्त खाने का दिल कर रहा है और बनाने का मूड नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, मस्त। इसको जल्दी से बनाइए और खा लीजिए। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलेंगे हम एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।